सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? जीत रहे हो ना? जीतना ही चाहिए। तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में, नो इफ नो कैन ओनली रोहित द हिटमैन। सो गाइस, अभी हम लोग कवर करेंगे जो फीबा वुमेंस एशिया कप का मैच होने वाला है चाइनीज टाइपी वुमेंस वर्सेज न्यूजीलैंड वुमेंस के बीच में। तो अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल को गाइस फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो गाइस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और राइट साइड में नीचे जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस जरूर करना है। सेकंड चीज़, अगर आप टेलीग्राम को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या फिर अगर आपका टेलीग्राम पे अकाउंट है तो टेलीग्राम पे आपको सिर्फ सर्च करना है रोहित द हिटमैन, ठीक है? क्योंकि लाइनअप में जो कुछ चेंजेस होंगे या कोई इंजरी रिपोर्ट आती है तो वो सारे अपडेट में मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं स्टैट्स के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे जो चाइनीज टाइपे का लास्ट मैच हुआ था उसके बारे में। 80-74 से लॉस किया था लास्ट का मैच। स्टार्टिंग लाइनअप में थी यूटिंग ली, एस ल्यू, चेंग ही सू, टी लिन, पी हेसुआटुंग। परफॉर्मेंस देखेंगे, यूटिंग लिंग 26 मिनट्स में 5 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 4 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 1 स्टील। एस लू 24 मिनट्स में 9 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 2 असिस्ट। चेंग ही सू 22 मिनट में 6 पॉइंट, 7 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 स्टील। टी लिन 22 मिनट में 6 पॉइंट, 6 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 ब्लॉक। पी हेसुआटुंग 20 मिनट्स में 18 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 2 स्टील्स। उसके बाद में है चेन वे चेन 20 मिनट्स में 9.3 रिबाउंड, 3 असिस्ट। वाई हैंड 16 मिनट में 6 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड, 2 असिस्ट। बाद में एच लिन 11 मिनट्स में 3 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 2 असिस्ट। आई टाई 11 मिनट्स में 5.3 रिबाउंड। बाद में है लिन वेन्यू 11 मिनट्स में 1 रिबाउंड, 1 ब्लॉक, 1 स्टील। उसके बाद में है वाई चो जिसने 11 मिनट में 7.1 असिस्ट अपने टीम के लिए स्कोर किया था। अभी हम लोग बात करेंगे न्यूजीलैंड वुमन की। 72-61 से लॉस किया था लास्ट का मैच। स्टार्टिंग लाइनअप में थी सी लीगर वॉकर, के लीगर वॉकर, पी डेविडसन, ए कराइटाना, ए टाइया। सी लेगर वॉकर 29 मिनट्स में 17.2 रिबाउंड, 4 असिस्ट, 2 स्टील। के लेगर वॉकर 28 मिनट में 12.6 रिबाउंड्स, 4 रिबाउंड, 6 असिस्ट। उसके बाद में पी डेविडसन 22 मिनट में 6.5 रिबाउंड, 1 असिस्ट। ए कराइटाना 12 मिनट्स, 5 रिबाउंड, 1 असिस्ट। ए टाइया 11 मिनट में 1 असिस्ट। उसके बाद में के पर्सेल 23 मिनट में 7.5 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 3 स्टील्स। टी बोगनी 22 मिनट्स में 3.2 असिस्ट। एम गोल्डिंग 17 मिनट्स में 7.4 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 स्टील। उसके बाद में सी पालवा 16 मिनट में 7.1 रिबाउंड। बी प्लेयर टीम 10 मिनट्स में 1 असिस्ट अपने टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया था। तो ठीक है, तो दोनों टीमों के स्टैट्स के बारे में आपको मैंने बता दिया है। तो सीधा हम लोग बात करेंगे जो प्रोबेबल कॉम्बिनेशन होगा इस मैच के लिए उसके बारे में। सबसे पहले आप देख सकते हो पॉइंट गार्ड सेक्शन से मैंने पिक किया एच पेंग के लीगर वॉकर को, ठीक है? शूटिंग गार्ड सेक्शन से मैंने पिक किया सी लीगर वॉकर वायलिन को। बाद में एसएफ सेक्शन से मैंने पिक किया एच ल्यू को। एम गोल्डिंग आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेगी अगर मैच वन साइड होता है तो, लास्ट के जो गार्बेज मीट होते हैं वो आपको एम गोल्डिंग दिख जाएगी खेलते हुए। पीएफ सेक्शन से मैंने पिक किया के पर्सल। सेंटर सेक्शन से मैंने पिक किया पी डेविडसन और यहाँ से मैंने पिक किया टी लिन। तो आपके पास लास्ट जो प्लेयर है यहाँ पे आप आई चेंग को ले सकते हो, टी लिन को ले सकते हो या फिर टी बोगनी को ले सकते हो, ठीक है? तो कोई भी आप इसमें से ले सकते हो या आप जिसमें बताया मैंने एम गोल्डिंग को। तो ये होने वाली है आपकी बेस्ट टीम जिसमें आपका एसपी होने वाली है आपकी बी डेविडसन, पीपी होने वाली है सी लेगर वॉकर, ठीक है? और कुछ रिस्क मत लेना इस टीम में, ये सेम टीम फॉलो करना जैसे मैंने बताया। लास्ट प्लेयर का ऑप्शन गोल्डिंग, बोगनी, सेंटर सेक्शन में चेंग या फिर टी लिन। तो ये मेरा होने वाला है प्रोबेबल कॉम्बिनेशन। लाइनअप में जो कुछ चेंजेस होते हैं या कोई इंजरी रिपोर्ट आती है तो सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे होगी तो वीडियो के नीचे आपको जो नीचे एरो दिखेगा उसमें लाइक का बटन प्रेस कर देना। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, डू योर बेस्ट एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।